Hello and welcome to our YouTube channel, Ruble Solution. Kids, my dear students, पिछली वीडियो में हमने बताया कि आपको स्क्रैच डेस्कटॉप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है? अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ये जो ब्लॉक्स दिए हुए हैं ना, मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट्स, कंट्रोल, सेंसिंग, ऑपरेटर्स, वेरिएबल्स, माइल, इनके बारे में बताऊंगी। और मैं सबसे पहले बताऊंगी मोशन ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में बताऊंगी? मोशन ब्लॉक। अब मोशन ब्लॉक स्क्रैच 3.0 में बेटा जो मोशन ब्लॉक हैं उसमें 15 एलिमेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 15। जैसे मूव 10 स्टेप्स। अब हम इसमें बारी बारी कैसे काम करना है अब हम प्रैक्टिकली करेंगे, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं यूजिंग ब्लॉक्स इन स्क्रैच मोशन ब्लॉक। ओके, जब तक हमको स्प्राइट चेक कर लेते हैं। मैं स्प्राइट ले लेती हूँ। फिश भी अच्छा है, जेली फिश भी अच्छी है, लॉइन भी अच्छा है, ठीक है? ये अपन बेसिक ही रहने देते हैं, ये स्कैट को ही रहने देते हैं, ठीक है? तो मोशन ब्लॉक्स किस लिए काम आते हैं? सबसे पहले आप देख लीजिए, मोशन ब्लॉक्स स्प्राइट्स को मूव करने के काम आते हैं, स्प्राइट्स को टर्न करने के काम आते हैं, स्प्राइट्स को डायरेक्शन देने के काम आते हैं, और एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज करने के काम आते हैं, स्प्राइट्स को बाउंस करने के काम आते हैं, और स्टाइल देने के काम आते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम करते हैं स्टेप्स मूव फॉरवर्ड को। तो सबसे पहले हम लगाते हैं व्हेन फ्लैग, हमेशा व्हेन रेड ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, क्योंकि बेटा जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा वो देखो ये ग्रीन फ्लैग से होगा। तो सबसे पहली कमांड क्या लगेगी? व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक। तो क्या करो, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक सेट रोटेशन स्टाइल, सेट रोटेशन स्टाइल, ये देखो ये रहा मोशन में ही है, सेट रोटेशन स्टाइल टू राइट लेफ्ट राइट। तो क्या करेगा ये? लेफ्ट राइट करेगा। उसके बाद देखो आप बेटा कंट्रोल्स में जाओ और यहाँ पर फॉरएवर लूप लगाओ, मतलब हमको इस स्प्राइट के साथ क्या करना है, जब क्लिक हो तो लेफ्ट राइट करे, और फिर उसके बाद फॉरएवर का मतलब हमेशा मूव 10 स्टेप्स करे, ठीक है? क्या करे? मूव्स 10। लेकिन जैसे ही एज आए, जैसे ही क्या है एज आए, तो बाउंस कर जाए। देखो मोशन में ही एक है, इफ ऑन एज बाउंस। तो ये हमारा एकदम छोटा सा प्रोग्राम हो गया। देखो मैं चला के दिखाती हूँ, देखो चल रहा है बेटा, देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्या इसमें क्या कोडिंग करी हमने? व्हेन ग्रीन बटन क्लिक्ड हो तो वो लेफ्ट और राइट चले और 10 स्टेप मूव करे, और जैसे ही एज आए तो बाउंस हो जाए, ठीक है? स्टॉप करो। अब सपोज करो आप यहाँ पर ऑल अराउंड कर देते हो, क्या कर देते हो? तो देखो क्या होगा, कर रहे ऑल अराउंड। आप यहाँ कर देते हो डोंट रोटेट, तो देखो क्या होगा, रोटेट नहीं होगा, ठीक है? आप अगर इसके स्टेप्स कम ज़्यादा कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो कम से क्या हुआ, स्लो हो गया कि नहीं हुआ, हो गया ना स्लो, बस इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है? अब एक और एग्जांपल बनाते हैं। अब हम चाहते हैं, ये वाला इसको हटा देते हैं, अब हम चाहते हैं कि जब हम इवेंट, सबसे पहले व्हेन क्लिक ले लो और पॉइंट टुवर्ड्स द माउस पॉइंट, ये देखो पॉइंट टुवर्ड्स द माउस पॉइंटर, ठीक है? ये क्या करेगा? मेकिंग अ स्प्राइट फॉलो द माउस। ये क्या करेगा? स्प्राइट जैसे जैसे माउस जाएगा वैसे वैसे ही वो स्प्राइट रन करेगा। चलो चला के देखें, देखो अब देखो ये नहीं हो रहा रन, हो रहा है रन? नहीं हो रहा ना, एक बार ही हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ कमांड लगानी पड़ेगी फॉर एवर,
क्या लगानी पड़ेगी, हमेशा। फॉरएवर का मतलब क्या है, हमेशा, जब भी मैं करूँ तो हमेशा। तो देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मैं माउस इधर लेके जा रही हूँ इधर आ रहा है, इधर लेके जा रही हूँ इधर आ रहा है, देख रहे हो बच्चे आप। फॉरएवर लगाने से क्या हुआ, ये हमेशा चलता रहेगा जब तक कि हम स्टॉप नहीं करेंगे, ठीक है, समझ आया। तो कौन सा वाला अभी हमने, अभी हम कौन सा वाला कर रहे हैं, मोशन। लेकिन मोशन में आपने देखा बच्चे कंट्रोल का फॉरएवर टैब भी यूज आया अभी तक, और इवेंट्स का व्हेन रेड ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, ठीक है। दो प्रोग्राम्स हो गए छोटे छोटे से। अब आया तीसरा एग्जांपल, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रोटेट करेंगे। क्या करेंगे हम, ये देखो ये जो रोटेट वाला है ना, टर्न 15 डिग्री, वो करेंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फिर से वो कंट्रोल ले रहे हैं और हम कह रहे हैं फॉरएवर, और यहाँ लिखे हैं टर्न 15 डिग्री। क्या कह रहे हैं हम, टर्न 15 डिग्री। अब देखो रन करने से ग्रीन बटन में दबा रही हूँ लेकिन कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमें क्या बताना पड़ेगा इसको, कि जब भी ग्रीन बटन क्लिक हो। तो देखो हो रहा है, अभी इसमें मैं लगा दूँ अगर मूव 10 स्टेप्स, तो देखो हो रहा है पीछे, ठीक है, देख रहे हो कैसे हो रहा है, क्योंकि हमने ये लगा दिया। अब मैं अगर लगा दूँ ये वाला टर्न एंड मूव 10 स्टेप्स, ठीक है, देखो मेंशन कर दिया, ये देखो 50 स्टेप्स कर दिया। क्या कर दिया मैंने, समझ आई क्या कोडिंग कैसे करते हैं इसमें, इस तरह से कोडिंग करते हैं। अब देखो जैसे अगर मैं करती हूँ, सपोज करो ये हटा देती हूँ मैं, अब इसको हटा देती हूँ, अब मैं लगाती हूँ इफ एल्स लगाती हूँ। क्या लगाती हूँ, अब कंट्रोल्स पे जाओ, देखो, अच्छा इफ एल्स मैं बाद में बताती हूँ, अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। अभी हम करते हैं, अभी हम बनाते हैं मेकिंग अ स्प्राइट फॉलो द माउस। तो मैंने क्या किया, पॉइंट्स टू द माउस पॉइंटर, ठीक है, मूव 10 स्टेप्स, ठीक है, देखो, ठीक है। इस तरह से हम काम करेंगे, इस तरह से बेटा हम कोडिंग करेंगे। ये वीडियो मैंने इसलिए जल्दी से बनाई है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। अभी मैं वीडियो स्टॉप करती हूँ क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अभी मैं और अच्छे अच्छे इस तरह के सारे, अभी जैसे मोशन समझाया है, मोशन के अभी और भी चीज़ें करेंगे हम, ग्लाइड करना सीखेंगे, पॉइंट इन द डायरेक्शन करेंगे, ठीक है, सब चीज़ें बनानी सीखेंगे, फिर लुक साउंड इवेंट्स, और उसके बाद फिर गेम्स बनाना सीखेंगे, ठीक है। आई होप दिस ट्यूटोरियल विल हेल्प यू, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको जैसे जैसे बनाती जा रही हूँ वैसे आपको करके दिखा रही हूँ। और देखो अभी जैसे मैं स्टॉप किया और मैंने यहाँ पर एक नया स्प्राइट लिया, सपोज़ करो मैंने लिया बॉल, क्या ली, बॉल। अब मुझे इसी की, इसकी ये वाले स्प्राइट कोडिंग किस में डालनी है, बॉल में, तो देखो बॉल आ गया। अब ये स्प्राइट मुझे डिलीट करना है, और ये स्प्राइट अब मैं जैसे देखो बॉल घूम रहा है, मेरे इशारों पे घूम रहा है बॉल, कूल, समझ आया। इस तरह से कोडिंग करते हैं और इस तरह से कोडिंग आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, आई विल कम क्विकली एज पॉसिबल, एंड वी विल लर्न स्प्राइट वेरी इजिली इन हिंदी।